हम सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग वहां, चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी, ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले दो दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहां पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहां पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहां, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेल गाड़ी आएगी वहां से जो जहां के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहां थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया, वहां उनको 21 दिन तक रहना है। और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहां फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहां जहां भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया, उसी हिसाब से वहां पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई गई है, वहां रहेंगे। और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी, और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आए उनको दिया जाए। और आप जानते हैं जो हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर थे उनको हम लोगों ने 1000 रुपया देने का निर्णय किया, और जो भी उनका एप्लीकेशन आया उस पर विचार करते हुए लगभग 19 लाख लोगों को दिया जा चुका है। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनका जिनको देखा जा रहा है और उनको भी मिल जाएगा। तो हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के हित में करते हैं और चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन हमने देखा कि इधर काफी बयानबाजी आ रही है, तो उसको देखते हुए हमने कहा बता दें, वरना लोगों को लाभ मिलता अपने आप लोग बताते, तो ये तय कर दिया है, ये हम लोगों का निर्णय है किया हुआ और इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है कोटा से जो हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए। तो हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं और सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको प्रेरित करिएगा और जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें रहें, यह सबके लिए उपयोगी है। और जो भी लॉकडाउन लागू किया गया है तो हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि हमारे बिहारवासी अधिकांश, इक्का दुक्का कोई इधर उधर करता होगा, लेकिन अधिकांश लोग, सब लोग नियमों का पालन करते हैं और वही कारण है कि बिहार को उस तरह से परेशानी नहीं, जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के चलते कुछ लोगों को हो गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के यहां में जो यहां के लोगों में जो जागृति है उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पड़ा है। और इस प्रकार से हम लोग जो ये जो कोरोना वायरस है उससे, उस पर कामयाबी हासिल करें। हम सब लोगों को सचेत रहना, मैं सब लोगों से पुनः अपील करूंगा, भयभीत होने की जरूरत नहीं, सजग रहने की जरूरत है।
और अंततोगत्वा आप जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में ये हो रहा है, ये सिर्फ कोई हम लोगों के यहां की बात नहीं, अनेक जगहों पर बड़े पैमाने पर देश का सबसे विकसित, दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका में सब ज्यादा होगा। तो इसलिए इसको देखते हुए जो कुछ किया जा रहा है, सब लोगों से यही अपील है कि उसका अनुपालन करें, और यही जनहित में है, सब लोगों के।